दोनों वालों की आवाज को क्या हो गया है, ऐसे बोलेंगे क्या? देखिए इस बार रिवाज तोड़ना है, तोड़ना है ना, पक्का? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान महिपाल डांड जी, डांडा जी, श्री अशोक शर्मा जी, कैप्टन हरदयाल सिंह ठाकुर जी, श्रीमती वंदना योगी जी, श्री सुमित शर्मा जी, श्री कोम सिंह बैस जी, श्री पवन शर्मा जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे भाजपा के हमारे प्रत्याशी श्री विजय अग्निहोत्री जी, और आज यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मित्रों आज नदौन की ये ऐतिहासिक और दैवी भूमि को मैं प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहां पर बाबा बालकनाथ मंदिर, बिल कालेश्वर मंदिर, जनियारी देवी मंदिर, टौणी देवी मंदिर और मुरली मनोहर मंदिर को भी प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों आज हम आने वाले हिमाचल विधानसभा का भविष्य तय करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी को यह कहने आया हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है, हिमाचल के सुवर्ण जयंती का वर्ष है। आपका एक वोट अगले 5 साल तक हिमाचल की सत्ता किस व्यक्ति के हाथ में, किस पार्टी के हाथ में और किस विचारधारा के हाथ में रहने वाली है, वो तय करने का ये मौका है। और वो तय करने के लिए आपके सामने दो विकल्प पड़े हैं। एक और कांग्रेस पार्टी है जो परिवारवाद से ग्रसित है, और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है जिसका एकमात्र काम है भारत को दुनिया में सबसे प्रथम बनाना, हिमाचल को देश में सबसे प्रथम बनाना। अरे दोनों के बीच में आपको निर्णय करना है। और मित्रों मैं यही बताने आया हूं कि वीर भूमि हिमाचल, ये देव भूमि हिमाचल, मैं यहां जब भी आता हूं तब हिमाचल की वीर माताओं को हमेशा प्रणाम करना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि ये हिमाचल की ही भूमि है जिसने अपनी आबादी के अनुपात में देश में सबसे ज्यादा यहां की माताओं ने अपने बेटे सेना के अंदर भेजकर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। अभी जैसे पर्यटन का माहौल हो, ऐसे सारे कांग्रेसी देश भर से हिमाचल में आ गए हैं। मैं उनको एक बात पूछना चाहता हूं कि हिमाचल के ढेर सारे बेटे सेना में काम करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर करते हैं, देश को सबसे पहला परमवीर चक्र वाला शहीद देने का काम हिमाचल ने किया, सोमनाथ शर्मा यहीं से जाते थे।
40-40 साल से हिमाचल के ये बेटे, उनका परिवार, उनकी वीरांगना माताएं वन पेंशन की मांग करती थी। वन रैंक वन पेंशन की मांग 40 साल से करते थे, मगर एक कांग्रेस के बहरे कानों पर सुना ही नहीं पड़ता था। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2015 में मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन को करकर 40,000 करोड़ रुपया हमारे सेना के जवानों के परिवार के बैंक अकाउंट में डालने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने इसका जवाब देना चाहिए कि भाई, इस देश पर 60 साल तक राज किया, वन रैंक वन पेंशन आप क्यों नहीं दे पाए। भाई, जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नदौन की जनता को मैं कहना चाहता हूं, राहुल बाबा तो आएंगे नहीं, वो पदयात्रा में है, परंतु जो भी कांग्रेसी वोट मांगने आता है उसको कहना, जरा वन रैंक वन पेंशन का 40 साल का हिसाब लेकर तनिक आना भैया, तब जाकर नदौन वाले वोट देंगे। नदौन की जनता को मैं पूछना चाहता हूं, धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? जरा जोर से बोलिए, जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? मित्रों, कांग्रेस ने इस देश पर 60 साल तक राज किया और जवाहरलाल नेहरू जो धारा 370 की भेंट देकर गए थे उसको अपनी गोदी में बच्चे की तरह सहलाते रहे। और हमारा कश्मीर इतने सालों से भारत के साथ अपना अखंड और अटूट रिश्ता बनाने में विफल रहा। आप लोगों ने हिमाचल की चारों सीटें मोदी जी को दे दी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और 5 अगस्त 2019 को एक झटके में धारा 370 और 35 को समाप्त कर दिया। ये कांग्रेसी सारे पार्लियामेंट में जब मैं बिल लेकर गया, कहते हैं मत हटाओ, हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की हिम्मत। और आज हमारा कश्मीर आन बान और शान के साथ भारत माता का मुकुटमणि बनकर समग्र विश्व के सामने जगमगाता कश्मीर हमने बनाया है। मित्रों, आप मुझे बताओ भाई, आतंकवाद पर करारा प्रहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कांग्रेस की सरकार थी 10 साल तक, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया सारे घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे। और कांग्रेस में जो बैठे थे, दिल्ली की सत्ता पर उनकी हिम्मत नहीं थी अपने मुंह से उफ करने की। 2014 में परिवर्तन हुआ, मोदी जी आए, पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत की, उरी और पुलवामा पर हमला किया, मगर पाकिस्तान भूल गया कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मौनी बाबा मनमोहन सिंह
मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। माताओं भाइयों बहनों, 10 ही दिन में देश के प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों को हुक्म दिया और पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करकर, एयर स्ट्राइक करकर आतंकवादियों के फुर्चे उड़ाने का काम भारत की सेना के वीर जवानों ने। और उस दिन से पूरी दुनिया में एक संदेश गया है कि भारत की सेना और भारत की सीमा दोनों के साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना कीमत चुकानी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है। माताओं भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, हिमाचल वालों, नादौन वालों, जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कई सालों से, 550 से ज्यादा वर्षों से देश भर के लोग, दुनिया भर के आस्थावान लोग चाहते थे कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण। लाखों लोगों ने एक काम के लिए अपने जीवन का आहुति दिया, मगर तुष्टिकरण की राजनीति के कारण एक कांग्रेस पार्टी मंदिर नहीं बनाती थी, हमें ताना कसते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, तिथि चली भी गई और 2024 में अयोध्या चले जाना, गगनचुंबी राम मंदिर वहां दिखाई पड़ेगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने न केवल राम मंदिर, बद्री विशाल, केदारधाम, उज्जैनी के अंदर महाकाल, गुजरात के अंदर सोमनाथ और विंध्यवासिनी के भी तीर्थधानों को एक अलग गौरव बख्शने का काम किया, उसका पुनः निर्माण करने का काम किया। आज बाबा विश्वनाथ का दरबार देखकर आइए, औरंगजेब ने तोड़ा तब से आज तक बाबा का अभिषेक करने के लिए 14 किलोमीटर गंगा जल लेकर घूम कर जाना पड़ता था। आज माँ गंगा में डुबकी लगा दीजिए, अब पानी शुद्ध हो गया है और वहीं से जल लेकर 10 मिनट में पैदल नंगे पैर आप बाबा विश्वनाथ पर अभिषेक कर सकते हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं, आपके समय में कई सारे मौके आए जहां महामारी आई, वैक्सीन आते आते 15-20 साल हो गए। मोदी जी के समय में कोरोना की महामारी आई, 1.5 ही साल में वैक्सीन बना। नादौन वालों, जरा हाथ ऊपर कर को, किस किस का वैक्सीन हो चुका है भाई? सबका हो चुका है ना? किसको 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? सरकार ने कॉफी पिलाकर वैक्सीन दिया ना? देश की 130 करोड़ की जनता को, चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति हो, चाहे खुमचा चलाने वाला, ठेला लगाने वाला गरीब व्यक्ति हो, सबको मुफ्त में वैक्सीन के दोनों डोज देकर मोबाइल पर सर्टिफिकेट भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और जो लोग लॉकडाउन के कारण अपनी रोजगारी गवा बैठे थे, दिहाड़ी नहीं मिलती थी, उन लोगों को, गरीब जनता को, देश की 80 करोड़ मित्रों, कांग्रेस के पास
विकास के नाम पर कहने को कुछ नहीं है। अब हिमाचल में कुत्तों सीटें जितनी पड़ेगी ना, जितनी पड़ेगी या नहीं जितनी पड़ेगी, वो बेचारे मानते हैं कि कुत सीट कैसे निकाले। तो उन्होंने 8-10 सीटों पर सबको कहा है भैया जाओ तुम मुख्यमंत्री। यहां पर भी एक मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कांग्रेस में मुख्यमंत्री आप नहीं बनोगे। वहां तो मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी का बेटा या बेटी होना पड़ता है, जो आप नहीं हो आपका नंबर नहीं लगने वाला है। ये तो राजा रानियों की पार्टी है भाई, ये राजा रानियों की पार्टी है भैया। आपका नंबर नहीं लगेगा, खामखा नादोन वालों को क्यों सहला रहे हो? मित्रों मुझे बताओ, मुझे बताओ, लोकतंत्र में राजा रानियों का कोई स्थान है क्या? जोर से बोलो, कोई स्थान है? लोकतंत्र में स्थान इसका होता है जो लोगों के काम करता है। हमने ऐसा आ गया हो भाई, हमने ऐसा प्रत्याशी दिया है जो विधायक न होने के बावजूद भी आपका काम करे। मित्रों हिमाचल के विकास के लिए ढेर सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। कांग्रेस वाले हिसाब नहीं देते हैं, मैं हिसाब देने आया हूं, ध्यान से सुनना। आयुष्मान भारत के तहत, अरे सुनो भाई सुनो, हो गया। आयुष्मान भारत के तहत 4 लाख परिवारों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी ने मुफ्त कर दिया है। हिम केयर योजना के तहत और 2.5 लाख परिवारों को हिम केयर का पूरा खर्चा 5 लाख तक का मुफ्त कर दिया है। 60 साल तक सरकार चलाने के बाद भी, 4 पीढ़ी तक सरकार चलाने के बाद भी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक सरकार चलाने के बाद भी कांग्रेस माताओं को शौचालय नहीं दे पाई थी। आज हिमाचल के हर घर में मोदी जी और जयराम ठाकुर ने शौचालय भेजने का काम किया है। 7 लाख परिवारों को मुफ्त में अनाज बांटने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 9,25,000 किसानों को हर साल 6,000 रुपया बिना किसी बिचौलिए के उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 8,76,000 परिवारों को घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं बहनों आप जरा जोर से ताली बजाइएगा, 1,40,000 माताओं को गैस का चूल्हा देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 28,000 लोगों को आवास देने का काम किया है। 20,000 किलोमीटर सड़क 5 साल में बनाई है। 6,900 किलोमीटर सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग की बनाई है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। मित्रों कांग्रेस वालों ने कोई हिसाब दिया है आपको? दिया है क्या? पूछ लेना कांग्रेस के प्रत्याशी को कि भाई तेरे काम का हिसाब तो लाओ तो हम आपको वोट दे। हिसाब के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, गारंटियां बांट रहे हैं। अरे गारंटी तो इसकी मानी जाती है जिसकी कोई आबरू हो इज्जत हो। भैया आपकी गारंटी पर कौन भला भरोसा करेगा? 60 साल तक शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस आज हिमाचल में गारंटी बांट रही है। अरे गारंटी क्या बांट रहे हो?
हमारे तो हिमाचल की जनता ने रिसीट दे दिया है कि हमारे इतने काम हो गए हैं, आप गारंटी बांट कर क्या निकले हो मित्रों। आज मैं हिमाचल की जनता को कहकर जाता हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, गत चुनाव में आया था, हमने कहा था हिमाचल में हम विकास करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं हिमाचल को ड्रग फ्री बनाने का काम अगले 5 साल में नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर करेंगे। इन नशे का कारोबार पूरे देश से उखाड़ फेंकने का निर्णय देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। ड्रग फ्री इंडिया के तहत हम ड्रग फ्री हिमाचल भी बनाएंगे। नदौन विधानसभा में अभी अभी जयराम ठाकुर जी ने 287 करोड़ के 46 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। लगभग 12 करोड़ रुपया नदौन के घरों में पानी पहुंचाने के लिए खर्च किया है। डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा इसके उन्नयन का काम चल रहा है और नदौन में मिनी सचिवालय बनाने के लिए हमारे अग्निहोत्री जी ने सरकार को सहमत कर नदौन को एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। मित्रों, डबल इंजन सरकार में धुआं मुक्त हिमाचल भी बनाए हैं और कई सारी सुविधाएं नदौन के अंदर देखने का काम हुआ है। एक एम्स 1500 करोड़ के खर्चे से विलासपुर में बनाया गया, चंबा, नाहन और हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज का उन्नयन किया गया। 48 अस्पतालों में मोदी जी ने ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम किया है। लगभग औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए बल्क ड्रग पार्क हिमाचल में बनाना, मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में बनाना और इसके साथ साथ गौवंश की रक्षा के लिए भी लगभग 28 करोड़ से ज्यादा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने हमारे अर्थतंत्र को आगे बढ़ाया है, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने दुनिया में देश के गौरव को बढ़ाया है, मोदी जी ने चाहे पहाड़ हो चाहे शहर हो हर जगह विकास को पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जयराम ठाकुर जी ने सारी विकास की योजनाओं को हिमाचल में घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वोट देने से पहले जरा देख लेना, यहां माताएं बहनें बैठी हैं, भाई मटकी खरीदते हो तो टकोरा लगाकर देखते हो या नहीं देखते हो? बताओ भाई, देखते हो ना? 200 रुपये की मटकी के लिए 5 बार टकोरा लगाते हो? हिमाचल सरकार पूरी सौंपनी है, प्रत्याशी पर टकोरा लगा दे गए तो हमारे अग्निहोत्री के निशान पर ही बटन आपका दबेगा। मुझे बताओ भाई, नदौन वालों, अग्निहोत्री जी के सामने कमल का निशान है, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? भाई सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो, दबाओगे क्या? भाजपा सरकार बनाओगे? अग्निहोत्री जी को विधायक बनाओगे? जयराम ठाकुर के हाथ मजबूत करोगे? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, रिवाज बदलने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
वंदे वंदे वंदे, वंदे, वंदे।